हैं इसमें मसले के। अभी 3 साल, 3 साल बाद पूल खुला है तो शुक्र है खुल गया। अभी करता हूँ थोड़ी 5 घंटे स्विमिंग, फिर करूँगा बात। बाय बाय। ऑल राइट गाइस, हम बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जाऊँगा आज स्विमिंग करने, मैं लेकर चलूँगा आप सबको अपने साथ स्विमिंग पूल दिलाने हमारी सोसाइटी का, बिकॉज वो 3 साल बाद खुला है। तो तू चलेगा मेरे साथ शिविका? हर बार मेरी सारी वीडियो में यही सुस्ता आ रहा होता है। कब जाएगा स्विमिंग करने? अच्छा ठीक है गाइस, तो मिलते हैं रास्ते में, लिफ्ट में और फिर स्विमिंग पूल। ऑलराइट गाइस, हेडिंग टुवर्ड्स द पूल। सो फाइनली लिफ्ट में घूमना पड़ता है आजकल, क्योंकि 22nd फ्लोर पे मैं रहता हूँ, 7th में मिलने आया था बस किसी से। तो बहुत मजा आ रहा है, आज मौसम भी बहुत सही हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो। मजा आ जाएगा स्विमिंग करने में। भैया पूल ऑन है, बारिश में भी चलेगा ना? ये हुई कोई बात। गाइस मैं जा रहा हूँ पूल की तरफ, मैं तुम्हें फ्रंट व्यू दिखा। ओके गाइस, तो ये फ्रंट व्यू है, मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। स्पेशली थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है। ये है हमारा क्लब हाउस। बस यार बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, देखो कराटे क्लास हो रही है वहाँ पे, टाइक्वांडो भी हो सकता है। स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा मुझे कम पता है, बट या आई नो हाउ टू स्विम। लेट्स सी क्या अपडेट है। वो चप्पलें फिसल गई। आगे हूँ मैं गाइस पूल एरिया में। Finally, this is the pool area. और आज आ जाएगा फुल मजा। ठंडा हो रहा है पानी एकदम। All right guys, unfit होने का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। It's a big deal. Fit होने के लिए स्विमिंग में आया हूँ, ठीक है? धीरे धीरे हो यार, सब सही कर रहा है। मजा। Finally in the pool, मजा आ गया। पानी हो रहा है एकदम नॉर्मल गर्म। ये हमारी सोसाइटी का पूल। क्रेजी लुक्स ये सोसाइटी, 100 फ्लोर की। और यहाँ पे आ गया मज़ा। मैं जाके एक वो मार कर आता हूँ लैप। अरे इतने मजे के, अभी 3 साल बाद पूल खुला है तो शुक्र है खुल गया। अभी करता हूँ थोड़ी 5 घंटे स्विमिंग, फिर करूँगा बात। बाय बाय। सही में क्रेजी लग रही है सोसाइटी एकदम, तो एकदम मज़ा आ रहा है फुल। तो गाइस ये हैं भाटी जी, भाटी जी हैं सोसाइटी करता करता आलतूनी। अरे भाई गाइस, बाहर खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी तेज हवा चल रही है फुल। लेकिन ऐसा लग रहा है गोवा में आ गए। गोवा फील्स। ये एक और डाइव के साथ, ये एक और डाइव, ये पर बांधो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कॉलिंग इट अ डे। मुझे लग रहा मैं काफी फिट हो गया हूँ, बैक कैसे दिखाऊँ? अरे यार कंफ्यूजन बहुत है। चलो ठीक है गाइस, स्विमिंग के सिर्फ 600 व्लॉग्स आएंगे तो वो देखेंगे। पीस आउट। जस्ट वांट टू रेट माय एक्सपीरियंस, इट्स गोइंग टू बी 10 आउट ऑफ 10।
तो सोच रहा हूँ ये वाला घर ले लूँ, ये जो यहाँ से दिख रहा है ना, ये वाला घर ले लूँ। शॉर्ट हो जाएगा ना, बालकनी से ही जंप सीधा पूल में, तो ड्रीम है काफ़ी जब से। चलो बाकी बात करो, बाय। स्विमिंग डन, सोसाइटी सीन हो रहा है क्रेजी हो रहा है भैया। हम डीडीए के मकान वाले हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हवा इतनी तेज चल रही है, मेरे फ्रंट कैम तक कुछ नहीं दिखता क्योंकि ये ऑब्वियसली एप्पल का फ़ोन नहीं है। तो मेरा फ़ोन है वन प्लस का, पोको नहीं है, वन प्लस का। मज़े आ रहे हैं देखो, दिल्ली में तो ऐसा कहीं नहीं होता अनटिल अनलेस आप एक 8-star होटल में चले जाओ और वहाँ कुछ चिल सीन हो रहा हो तो हो रहा हो, यहाँ नहीं होता भाई। ये मैं काफ़ी बड़े रैम से नीचे उतर रहा हूँ, बहुत सारे सीन से मेरा मन से पूरी सोसाइटी का टूर देने का। चलो वो भी एक बार ठीक है, करते हैं। मैं जा रहा हूँ सीधा घर, घर पहुँच के ही करता हूँ आगे की बातें क्योंकि दिल हो गया गार्डन। हो जाए या पानी की बात? बात हो जाएगा सर, बात हो जाएगी। हाँ 7-8 बजे आपको भेज दे, फोन कर, फोन कर। मजा आ गया भैया स्विमिंग करके। तुम कब जाते हो? तुम्हें अलाउड नहीं है? मैं बताता हूँ सुनो, एक दिन ना नॉर्मल कपड़े पहन के आगे कर लें, किसे पता है? बताओ मुझे, बताना। मैं दिखाऊं तुम्हें बाहर की लॉबी? दिखाऊं बाहर की लॉबी? देखो हमारी किसी का घर है, लॉबी नहीं है, किसी का घर है। देखो अभी इतना सेक्सी वेटिंग लाउंज, मतलब देखा होगा, मैंने नहीं देखा भाई। ये मुझे काफ़ी ना क्रेजी कर रहा है यार, सुपर क्रेजी। फ्रंट कैम पे स्विच नहीं कर सकते ऑब्वियसली बिकॉज आईफोन है। लिफ्ट आके चली तो नहीं गई भैया, एक मिनट, थैंक यू। ये ड्यू का पानी मैंने खत्म कर दिया, मैं आ गया हूँ घर, एक मिनट। सब है यार, सब है। वेट नहीं, यूट्यूब क्या? तो बहुत मजा आया स्विमिंग करने में, और फाइनली स्विमिंग करने के बाद मेरे को एक कैमरामैन मिला है जो मेरी ऐसे मेरे हाथ वाथ चिल रहे हैं, मैं आराम से बात कर पा रहा हूँ। तो कीपिंग इट शॉर्ट, बहुत मज़ा आया स्विमिंग करने में। 3 साल बाद मैंने स्विमिंग करी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोरोना में बहुत नहीं कर पाए स्विमिंग, और फाइनली अब फिर से भी आ सकता है, पता नहीं है ना, कुछ बस न्यूज़ पे आ जाता है तो हम मान लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए बेसिकली, वी शुड फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट स्टिल ये वीडियो कहीं और यहीं पे खत्म करते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर तुम नहीं कर पाओगे स्कूल, बट ये दोनों चीज़ें तुम कर सकते हो, तो कर देना। और कमेंट्स में बिल्कुल कुछ मत लिखना, मेरे को खाली अच्छा लगता है, वो भर देते हो ज़बरदस्ती, आई डोंट लाइक दैट। मैं इतना टाइम नहीं था, बहुत बिजी हूँ, और बहुत मुश्किल से मैं ये ब्लॉग्स वगैरह बना दूँ, बहुत मुश्किल से, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मैं अपने इतने बिजी स्केड्यूल में 23 आवर्स वर्किंग है मेरा, उसमें जो 1 आवर बचता है उससे मैं जेन्युइन सीरियस सिंपल ब्लॉग्स दे देता हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि
दिल बड़ा भाई का, ठीक है, कुछ बातें करनी पड़ती, कुछ बातें नहीं करनी पड़ती, जल्दी है क्या, कर दूं मैं, ओके सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट गाइस। ये ज़ूम नहीं हो पा रहा बट यहाँ पे इतने बड़े टीवी में मैच चल रहा है, क्रेजी फील हो रहा है। डाउनटाउन बीच गाइस बॉयज चले गए हैं सामान लेने। तो गाइस ये देखो, ये मैंने रेड हैंडेड पकड़ा है, मेरी विघ्नेश शंकर के पेरेंट्स और शिवम भारद्वाज के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इन्हें समझाएं, ये वीडियो देखें और इन्हें समझाएं कि इस एज में ज़रा इन सब चीज़ों से दूर रहना होता है। कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं, लाइजोर शॉप पता नहीं क्या लिखा है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ ये। चलो एनीवेज आप लोग इंजॉय करो, चैनल वैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़रा फैलाओ इधर उधर और मज़े करो। वूहू।